गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन मीडिया की दुनिया। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है ऑन टू द क्लॉक इज अराउंड 4 o'clock। तो दोपहर के 4 बज रहे हैं एंड एज यूजुअल जो मैंने निधि से प्रॉमिस किया था कि ऑन संडे वी आर डूइंग व्हाट कुकिंग। सो निधि के साथ एक कुकिंग तो बनती है, राइट? चलो। सो आज हम कुकिंग में क्या करने वाले, पता है आपको? एनी आइडिया, एनी गेसेस? मैं आपको हिंट दे दी। वो ना दोनों चीजें बीच से स्टार्ट होती है। सो ऐसी रेसिपी है जो बी से ही स्टार्ट होती है, जो इंग्रेडिएंट से वो भी बी से स्टार्ट होता है एंड रेसिपी भी बी से स्टार्ट होती है। उसमें एक इंग्रेडिएंट है बी के साथ है। सो आपने तो निधि के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें एक बार निधि ने बनाना मफिन्स बनाया था, कैन यू रिमेम्बर? इसमें बनाना गायब था। So, आज हम बनाने वाले हैं, बिकॉज सिंस इट्स 4 o'clock एंड बाहर तो जो क्लाइमेट है इट्स रेनी नाउ, ठंडी में रेनी सीजन है। सोचे आप, इट्स -1 degree टेम्परेचर है यहाँ पे। सो हम लोग को कुछ तो अलग खाने की इच्छा है। वैसे तो मुझे इच्छा थी कि आई शुड हैव कॉफी विद ब्रेड। सो हमने वहाँ पे मुझे कहा, मम्मी ने मुझे बोला कॉफी विद ब्रेड। हम बनाने वाले हैं कॉफी विद बनाना ब्रेड। सो लेट्स चलते घर में, वो भी घर में डायरेक्टली फ्रॉम निधिस किचन। सो चलिए चलते हैं। हेलो हेलो, अभी हम बनाने जा रहे हैं बनाना मफिन्स। और आप देख सकते हो बाहर आदू है, जो कि मुझे उसको लेना नहीं है अंदर। हेलो हेलो, ओके हाँ। और आपको पता ही होगा इंग्रेडिएंट्स क्या है। मेरा ये घर पे क्या पे इंग्रेडिएंट्स बताऊं मैं? चलो अभी दिखाती हूँ। तो हमारे पास है ऑयल, फ्लावर। सो हमने रेसिपी के लिए लिया है जर्मनी में वाइजन माल 405 मिलता है, जिसे बोलते हैं मैदा। सो हमने लिया है अराउंड 1 cup मैदा एंड इट शुड बी अराउंड 1 cup ऑफ व्हीट फ्लोर, बट हम थोड़ा कम यूज कर रहे हैं। आप दोनों भी 1:1 ratio में ले सकते हैं। देन वी नीड द ऑयल। सो हमारे पास यही ऑयल है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। देन इन दिस यू विल ऐड अराउंड 1/2 cup ऑफ शुगर। अगर आपका ये 1 cup है तो शुगर आपका 1/2 cup होना चाहिए। नाउ दिस इज अ बेकिंग पाउडर वी आर यूजिंग फॉर दिस। नाउ और ब्रेड को थोड़ा हेल्दी वर्जन देने के लिए एज यूजुअल हमारा फेवरेट नट यानी वॉलनट्स यूज कर रहे हैं। एंड बनाना ब्रेड अधूरा है विदाउट बनाना, सो वी आर यूजिंग 2 banana एंड ये निधि का फेवरेट वाला चॉकलेट ग्रैन्यूल्स है, वी आर यूजिंग दिस। एंड इस बार रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट है, बिकॉज वी आर पुटिंग देखते हैं टेस्ट कैसे आता है एंड वी विल रिव्यू। निधि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। निधि क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जैसे कि निधि ने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दी है, सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए। और निधि क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। बिकॉज निधि को न्यूटेला इतना पसंद है कि रात दिन दे दो ना तो भी कंप्लीट नहीं होगा,
और बैक टू द स्क्रीन आप देख रहे हो वहाँ पे आदि है। निधि ने उसको एंट्री नहीं दी है किचन में, क्यों नहीं दो? क्योंकि उसने मेरी लॉलीपॉप खाई। क्योंकि निधि और आदि में फाइट चालू है। लेट्स सी आदि क्या कर रहा है। सर अभी हम डालेंगे बनारस, द लास्ट बनाना, और अभी हम मुझे शुगर डालना है पूरा। तो यहाँ पे मैंने लिया शुगर। सो निधि ने ये हाफ कप जस्ट थ्रोन ऑन। सेकंड हाफ कप ऑफ शुगर। नाउ आई विल पुट ऑल इनसाइड लाइक अ डेकोरेशन। देन वी हैव टू मिक्स। लेट्स डू मिक्स मिक्स मिक्स। ये वाला यूज करते हैं? नहीं, मिक्सर यूज करना पड़ेगा। गाइस ये बनाना प्यूरी हो चुका है। इसमें भी I've added half cup of oil and small amount of milk ताकि अच्छे से फ्लूइड बन जाए। नाउ इसमें निधि विल एड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट। सो गाइस केक बनाते केक बनाते बनाते क्या हो गया? अब मुझे ये क्लीन करना। तो गाइस आप लोग भी खाना बनाते बनाते ऐसे गड़बड़ होती होगी ना निधु? बता दो सच जो है। और अभी निधि क्लीन कर रही है। सो गाइस अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये सीविंग का, बिकॉज इससे तो आपका केक टेस्टी बनता है। सो ये मैदा डाल रही है निधि एंड उसमें शी विल पुट द व्हीट फ्लोर जो हमने बेक करके लिया है ऑलरेडी। Now baking powder and salt, a small amount of salt. और इसको आपको सीविंग करना है एटलीस्ट 3 times क्योंकि उसके बाद ही सारी चीजें और सारी ये गिर गया। फिर ये डालो। सो ये salt जाएगा इसमें। ठीक है। सो ये एक बार सीविंग हो चुका है, निधि अभी सेकंड सीविंग करेगी इसमें। ओके नाउ अभी मैं करूंगी यहां से मैं करूंगी। डोंट पुट इट आउटसाइड। ये कैसे थोड़ी मत कर रही हो बच्चों के साथ खाना बनाते वक्त इतने लॉसेस तो होते ही हैं, राइट? नाउ अब इसमें वी विल ऐड वैनिला। वैनिला कहाँ पे? सो अभी मैं डालूंगी वैनिला। फुट ड्रॉप्स काउंटेड 4 drops. 1, 2, 3, 4. Bas. Then I will add first this, then Nutella. Okay. Oh. I will also put this 4-5 grams because I love actually one. अभी आ रहा है हमारा टेस्टी 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 इंग्रेडिएंट जो कि न्यूट्रेला। अभी लेकिन इसको डालूं कैसे? तो अभी मुझे ऐसा डालना पड़ रहा है। अभी इसको स्टिक हो गया सब। 1 ओके सो बस इट्स न्यूटेला एडिशन हो चुका है। अब निधि काफी सो अब निधि वॉलनट्स। सो निधि के वॉलनट्स निधि ने छोटे छोटे रोस्ट करके तोड़ लिए हैं। नाउ मीन टाइम व्हाट वी विल डू इसको मिक्स कर लेते हैं अपने ब्लेंडर से, ये वाले ब्लेंडर से। तब तक ओवन को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देते हैं। सो ये ओवन को हम ऑन करते हैं एंड वी विल कीप इट टिल 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 40 मिनट्स। वी विल यूज इट। ठीक है नाउ
लिए हैं। अभी हम देखो बेटा, हाँ सो ये बटर पेपर और ये जो हमारा बैटर था वो डाल देते हैं। फिर आपको हम बस स्प्रेड करके वो हो जाएगा। और इसको हमें टैप करके ओवन में रख देंगे। गाइस केक जो है वो ओवन में, केक नहीं ब्रेड जो है ओवन में जा चुका है। तब तक ये जो किचन की जो क्लीनिंग है वो कर लेते हैं, उसके बाद दे विल सी यू आफ्टर 40 मिनट्स कि हमारा बनाना ब्रेड कैसे हुआ है। चलिए सो गाइस अभी हमारा केक बन चुका है और अभी मैं उसका स्वाद लूंगी। और ये जो स्मेल ले रही है ये देखिए हमारा बनाना केक रेडी है विद न्यूटेला। फिर हमें कट करके टेस्ट, अरे वाह निधि क्या कर रही है। हाँ सो ये हम कट करके टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। ओके अभी हम इसको कटिंग करने वाले अभी। बुरा लग रहा है, इस दिल को काटने में हो गया एक पीस। और इसको खाने वाली हूँ। टेस्ट यम यम। एंड व्हाट इज द फ्लेवर? ड्राई फ्रूट्स, तो आप लाइक कीजिए। नहीं, आप भी ट्राई करना, घर पे बहुत टेस्टी।